हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे अपना रीनल सिस्टम में अपन ने पढ़ रहा था क्रॉनिक रीनल फेल्योर। तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर पर अपन ट्रीटमेंट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी वेबसाइट पर आपको MPCHO के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। MPCHO के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। उसमें आपको स्पेशल क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। उसके अंदर आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ठीक है। 10 टेस्ट सीरीज के साथ में आपको PDF, उन क्वेश्चन पेपर की PDF भी आपको मिलने वाली है, जो कि इस बार फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है स्पेशल आप लोगों की रिकमेंडेशन पे। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे, आप PDF भी हमें प्रोवाइड कराएं, इसीलिए हमने आपके लिए PDF भी तैयार की है, ठीक है। जैसे ही आप पेपर को सबमिट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद पेपर आप जैसे सबमिट करोगे, आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हो, आपके फ़ोन में वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसकी PDF आपके फ़ोन में लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, PDF आपको मिलने वाली है, ठीक है। जाके आप विजिट करो हमारे www.testpaperlive.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करो, वहाँ पर मिलेंगे आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, साथ में उनके आपको PDF मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। और यदि आपको अधिक जानकारी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, अपन पढ़ रहे थे क्रॉनिक रीनल फेल्योर, ठीक है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर में अपन ने ट्रीटमेंट तक पढ़ लिया, ट्रीटमेंट में अपन ने जनरल ट्रीटमेंट देख लिया था और आज अपन देखेंगे डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस की डेफिनेशन की बात करें अपन, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बनती है। यदि किडनी इम्पेयर्ड हो जाती है, किडनी अनफंक्शनल हो जाती है, उस कंडीशन में अपन ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इफ़ किडनी अनेबल टू प्यूरिफाई Then do it। यदि अपनी किडनी है वो इम्पेयर हो जाती है, उस कंडीशन में किडनी अपने ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाती, ठीक है। उस कंडीशन में अपन डायलिसिस की मदद से ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसमें से जो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपनी सिंपल सी डेफिनेशन। आगे अपन बात करें इसके प्रिंसिपल की, डायलिसिस के प्रिंसिपल की बात करें तो आपको तीन टर्म याद रखनी पड़ेंगी डायलिसिस के प्रिंसिपल में। सबसे पहले डिफ्यूजन, देन ओस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तीनों ही टर्म्स हैं जो एग्जाम में रिपीट हुई हुई हैं। फर्स्ट है अपनी डिफ्यूजन, सेकंड वन है ओस्मोसिस, एंड थर्ड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो अपन देखेंगे तीनों के बारे में सेपरेटली ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। फर्स्ट वन अपन बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन की अगर बात करें अपन, तो डिफ्यूजन होता है अपना सोल्यूट का गमन। डिफ्यूजन प्रोसेस में सिंपली आप समझने की कोशिश करना, डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर सोल्यूट का गमन होता है, मतलब कि सोल्यूट जाता है एक कंपार्टमेंट से अनदर कंपार्टमेंट में, वो जाता है अपना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से सोल्यूट का गमन होता है लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। सिंपली ध्यान रखना है आपको डिफ्यूजन में सोल्यूट का गमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ओस्मोसिस की, तो ओस्मोसिस में आपको याद रखना है सॉल्वेंट का गमन होता है,
डिफ्यूजन में आपको याद रखना है सोल्यूट का होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है अपना सोलवेंट का। अब सोलवेंट का गमन कैसे होता है, सोल्यूट की लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ अपना होता है सोलवेंट का गमन। ठीक है, बात करें अपन डिफ्यूजन के डेफिनेशन की, तो यह होता है अपना सोल्यूट की लो कंसेंट्रेशन से ठीक है, याद रखना आपको ओस्मोसिस के अंदर सोलवेंट का गमन होता है। ठीक है, सोलवेंट का गमन कैसे होता है, जिस साइड में अपने सोल्यूट की लो कंसेंट्रेशन है उस साइड से सोलवेंट जाएगा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ, यह होता है अपना ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में सोल्यूट का होता है गमन, ओस्मोसिस में सोलवेंट का होता है गमन, दोनों में डिफरेंस याद रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली चीज है। डिफ्यूजन होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ओस्मोसिस होता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, लेकिन साथ में ध्यान रखना है यहां डिफ्यूजन में होता है सोल्यूट का गमन होता है एंड ओस्मोसिस में सोलवेंट का गमन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, थर्ड वन अपन बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, बात करें तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल आर्टिफिशियल प्रेशर कोज बाय सोल्यूट की कंसेंट्रेशन के द्वारा एक्सटर्नली जो प्रेशर आर्टिफिशियल प्रेशर लगवाया जाता है उसके मदद से फिल्ट्रेशन होता है। सोल्यूट की कंसेंट्रेशन के कारण जो एक्सटर्नल रूप से आर्टिफिशियल प्रेशर लगाया जाता है उसके द्वारा जो फिल्ट्रेशन होता है वो अपना कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीनों में आपको क्या याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सोल्यूट द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियल प्रेशर लगाया जाता है, ओस्मोसिस में लो टू हाई कंसेंट्रेशन गमन होता है, इसमें होता है अपना सोलवेंट का, लेकिन याद रखना होता है सोलवेंट का, लेकिन ये लो कंसेंट्रेशन होती है वो अपनी होती है सोल्यूट की। सोल्यूट की लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ अपना गमन होता है सोलवेंट का, वो कहलाता है अपना ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ गमन होता है और वो अपना होता है सोल्यूट का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ डायलिसिस की, ठीक है, टाइप्स की बात करें तो मेनली दो टाइप्स होते हैं डायलिसिस के, एक होता है अपना हीमोडायलिसिस सेकेंड होता है अपना पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस ये हो गया अपने दो टाइप्स। अब अपन पढ़ते हैं सेपरेटली दोनों के बारे में। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। फर्स्ट अपन बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, सबसे पहले अपन बात करें साइट की, पेरिटोनियल डायलिसिस किस साइड पे किया जाता है, तो ये किया जाता है अपना पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है,
ये अपना क्लाइंट है, ये हो गया इसका पेरिटोनियल रीजन, ये हो गया पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए अपन हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, बात करें हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन ही क्यों यूज करते हैं, तो इस हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन के कारण अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फास्ट होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फास्ट हो इस कारण अपन यूज लेते हैं हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन में, इस सॉल्यूशन में और भी चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं, इस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व की जाते हैं इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अपन यूज करते हैं इसमें एंटीबायोटिक, बात करें एंटीबायोटिक क्यों की जाती है, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट पेरिटोनियल इस हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन के अंदर एक और चीज इन्वॉल्व की जाती है, वो अपना होता है हिपेरिन, ये हिपेरिन यूज की जाती है क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, याद रखना आपको हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है क्योंकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फास्ट हो, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन है इस कारण अपन इसमें इंसुलिन यूज लेते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसलिए अपन इसमें एंटीबायोटिक यूज करते हैं, साथ में इसके अंदर हिपेरिन यूज लिया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी क्लोटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके अंदर तीन टर्म आती हैं, एक आता है अपना फिलिंग टाइम, बात करें फिलिंग टाइम क्या होता है, फिलिंग टाइम वो टाइम है जितने समय में अपन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इस फ्लूइड को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप सुपरफिशियली देखेंगे, आगे अपन डीपली देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, ये जो कैथेटर है जिसके द्वारा अपन डालते हैं, उस कैथेटर का नाम है टेकन कफ कैथेटर, टेकन कफ कैथेटर की मदद से अपन पेरिटोनियल डायलिसिस में फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करें इससे आगे अपन इस कैथेटर को फिक्स कैसे करते हैं, तो अपन एक बाइंडर यूज में लेते हैं, टेकन कफ कैथेटर को फिक्स करने के लिए अपन बाइंडर यूज लेते हैं, उस बाइंडर को अपन बोलते हैं डेक्रोन बाइंडर, डेक्रोन बाइंडर की मदद से अपन इसको फिक्स करते हैं टेकन कफ कैथेटर को। कैथेटर इंसर्ट करने के 21 दिन तक इस साइड से अपन डायलिसिस नहीं कर सकते, 21 डेज लगते हैं इसको फिक्स होने में कैथेटर को, तब तक अपन इस साइड से डायलिसिस नहीं करते, 21 डेज के बाद में ये कैथेटर फिक्स हो जाता है इस साइड पे, उसके बाद में अपन करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद में दूसरी टर्म आती है ड्वेल टाइम, ड्वेल टाइम की बात करें तो ड्वेल टाइम अपना होता है जितने समय तक अपना हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा वो टाइम अपना कहलाएगा ड्वेल टाइम। नेक्स्ट अपन बात करें ड्रेन टाइम, ड्रेन टाइम की बात करें अपन तो ड्रेन टाइम वो टाइम होता है जितने टाइम के अंदर अपन पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं
जो बाहर निकालने में पूरी पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूड को पूरा बाहर निकालने में जितना समय लगता है वो अपना कहलाता है ड्रेन टाइम। तीन टर्म आपको याद रखनी है, फिलिंग टाइम, ड्वेल टाइम, ड्रेन टाइम। फिलिंग टाइम जितने टाइम में अपन फिल करते हैं वो होता है, ड्वेल टाइम होता है जितना टाइम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूड रहेगा। नेक्स्ट अपन यदि बात करें ड्रेन टाइम, तो ड्रेन टाइम लगता है ये बोलते हैं उसको जितने टाइम में अपन फ्लूड को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, जितना टाइम अपने को फ्लूड को कंप्लीटली बाहर रिमूव करने में लगेगा वो अपना कहलाता है ड्रेन टाइम। ये अपना सुपरफिशियल डायग्राम के थ्रू, ठीक है, याद रखना टेकन कफ कैथेटर एंड डेक्रॉन बाइंडर। पेरिटोनियल डायलिसिस में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहीं से बता दिया है सुपरफिशियली, इन्हीं चीज से इसी डायग्राम से आपके सब सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन क्यों यूज लेते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फास्ट हो जाए। इंसुलिन क्यों यूज लेते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन है। हिपेरिन यूज लेते हैं क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीबायोटिक यूज करते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा फिलिंग टाइम क्या होता है, ड्वेल टाइम क्या होता है, ड्रेन टाइम क्या होता है, उसके अलावा बाइंडर एंड कफ या कैथेटर। ये तो आपके क्वेश्चन बन गए पेरिटोनियल डायलिसिस की। अब अपन बात करें डीपली फिलिंग टाइम कितना टाइम होता है मेनली, फिलिंग टाइम होता है अपना नॉर्मली 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर अपने को फ्लूड को कंप्लीटली इंसर्ट करना होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ड्वेल टाइम की, तो ड्वेल टाइम होता है अपना 2 to 8 hours। 2 to 8 hours ड्वेल टाइम होता है। ड्वेल टाइम के आप के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्वेल टाइम हमेशा फिजिशियन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ड्वेल टाइम हमेशा फिजिशियन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जितना टाइम अपने को प्रेस्क्राइब किया जाएगा उतने टाइम तक ही अपन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूड रख सकते हैं। बात करें फिजिशियन ही क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि जो अपन सॉल्यूशन लेते हैं वो अपना होता है हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन। हाइपरग्लाइसेमिक सॉल्यूशन तो हाइपरग्लाइसीमिया होने की रिस्क रहती है, इसलिए फिजिशियन द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ड्वेल टाइम कितना होगा, वो मेनली 2 to 8 hours के बीच में कितना भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन बात करें ड्रेन टाइम की, ड्रेन टाइम अपना होता है जितने टाइम के अंदर अपन पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूड को निकालते हैं, ठीक है, तो ये अपना होता है मेनली 30 मिनट से लेके 1 hour तक। ड्रेन टाइम होता है अपना 30 मिनट से 1 hour तक। आपको ड्वेल टाइम में यह चीज याद रखनी है, ड्वेल टाइम हमेशा फिजिशियन द्वारा ही फिक्स किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहां से क्वेश्चन बनता है आपका ड्यूरिंग ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस फिलिंग टाइम या फिर फ्लूइड इंसर्शन टाइम। क्रैम्स आर प्रेजेंट देन व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, उस दौरान यदि क्लाइंट के अंदर क्रैम्स देखने को मिले पेरिटोनियल कैविटी में, तो उस दौरान प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो इस दौरान अपना प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा
कंटिन्यू द फिलिंग या इंसर्शन। ध्यान रखना आप क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रायर टू नर्सिंग इंटरवेंशन पूछेगा यदि क्रैम्स आ रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान, ठीक है, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी रहेगी कंटिन्यू फिलिंग करना है आपको, ठीक है। यहां से कंफ्यूजन कहां होते हैं, अपन कंफ्यूजन होते हैं, अपन इसको मिला देते हैं एनीमा या कोलोस्टोमी केयर के अंदर, ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं जहां से अपन कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आता है अपना कोलोस्टोमी इरिगेशन या फिर ड्यूरिंग एनीमा, एनीमा इंसर्ट कर रहे हैं या फिर कोलोस्टोमी की इरिगेशन कर रहे हैं, उस दौरान अपने को क्रैम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उस दौरान अपनी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। यहीं से अपन कंफ्यूज होते हैं और डायलिसिस के अंदर भी अपन सेम चीज कर देते हैं, वो अपना गलत हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको साथ में बता दिए हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्रैम्स आ रहे थे, आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बात करें अपन कोलोस्टोमी इरिगेशन या फिर एनीमा की, तो उस दौरान आपको स्टॉप कर देना है टेम्परेरी एंड रीस्टार्ट व्हेन क्रैम्स आर सबसाइड। टेम्परेरी रूप से आपको एनिमा हो या फिर इरिगेशन कर रहे हो, यदि क्रैम्स आ रहे हैं उस टाइम आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है, और फिर से स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है व्हेन क्रैम्स आर सबसाइड। क्रैम्स जैसे सबसाइड हो आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन आए हुए मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आप एक और क्वेश्चन बनते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस से, वो क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है इफ यू आर फील वन लीटर एंड ड्रेन हाफ लीटर देन व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। क्वेश्चन आएगा यदि आपने फिलिंग किया है एक लीटर और आपको ड्रेन हो रहा है आधा लीटर ही, 500 ml आप ड्रेन कर पाए हैं 1000 ml देने के बाद, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। तो इस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी वो होगी क्लाइंट को रोटेट करना है साइड टू साइड, क्लाइंट को आपको रोटेट करना है साइड टू साइड जिससे आपका ड्रेन इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एक लीटर आपने इंसर्ट किया है, यदि आपको 500 ml आधा लीटर ही प्राप्त हो रहा है, उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी क्लाइंट को रोटेट करना है साइड टू साइड। तो ये हो गया अपना पेरिटोनियल डायलिसिस, इसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस थोड़ा सा अपन पहले डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये इमेज करो अपना हैंड है, ठीक है, तो उस दौरान क्या करते हैं अपन आर्टरी एंड वेन का सेंटिंग ग्राफ्टिंग वगैरह कुछ करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे क्या क्या करते हैं। उस दौरान अपन क्या करते हैं, कैथेटर लगाते हैं, और कैथेटर को अपन बोलते हैं सिलास्टिक कैथेटर। आर्टरी एंड वेन से अपन कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कैथेटर कनेक्ट करते हैं, उस कैथेटर का नाम अपना सिलास्टिक कैथेटर। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इस कैथेटर को अपन कनेक्ट कर देते हैं एक यूट्यूब से,
यू शेप ट्यूब से अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस यू शेप ट्यूब को अपन डायरेक्ट फिर कनेक्ट करते हैं डायलिसिस मशीन से। ये अपनी है डायलिसिस मशीन। ये अपना डायलिसेट। डायलिसेट क्वेश्चन आया हुआ है, डायलिसेट क्या होता है? डायलिसिस मशीन में डायलिसिस मशीन में जो फ्लूइड यूज होता है उस फ्लूइड को अपन बोलते हैं डायलिसेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है डायलिसेट क्या होता है, ठीक है। ये अपनी हो गई सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। यहां अपनी होती है हाई कंसंट्रेशन, इस साइड हो गई अपनी लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ब्लड आया यहां से अपना कैथेटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू होता हुआ यहां आ गया। इस दौरान अपनी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन बनी होती है अपनी सेल फोन या सेलुलोज की। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो कि बनी होती है सेलुलोज की, किस में यूज होता है? आपके अभी एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें क्वेश्चन आया था सेलुलोज की बनी हुई सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन किस में यूज होती है, तो वो अपनी यूज होती है डायलिसिस में। क्वेश्चन यहां से आया था सेलुलोज की बनी हुई मेम्ब्रेन किस में यूज होती है, ठीक है। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है वो अपनी बीच में होती है, ठीक है। तो यहां से अपना होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट उस साइड जाता है, ठीक है। और इस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इसमें पोर्स होते हैं कुछ इस प्रकार से, इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर से अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट तो निकल जाते हैं लेकिन बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंट्री नहीं कर पाते, ठीक है। इस कारण ही अपन डायलिसिस के बाद में डायलिसिस मशीन का स्टरलाइजेशन करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी हाई कंसंट्रेशन है तो ये अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ गमन होगा और अपना ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन के बाद अपन वही यूट्यूब से कैथेटर की मदद से ब्लड को रीइंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, सिलास्टिक कैथेटर, डायलाइसेट एंड सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो कि बनी होती है सेलुलोज या सेल फोन की। रेलवे में क्वेश्चन आया था सेलुलोज या सेल फोन की बनी हुई होती है, ठीक है, जो कि अपने डायलिसिस में यूज होती है। डायलाइसेट ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, डायलिसिस मशीन में यूज फ्लूड को अपन डायलाइसेट बोलते हैं। याद रखना आपको सिलास्टिक कैथेटर, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन एंड डायलाइसेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो हीमोडायलिसिस के लिए अपने को साइट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो साइट की बात करें अपन, साइट की बात करें तो दो प्रकार से अपन साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक होता है अपना टेम्परेरी, एक होता है अपना परमानेंट। टेम्परेरी साइट या फिर परमानेंट साइट। अब टेम्परेरी साइट अपन तब तक ही यूज कर सकते हैं जब तक अपना परमानेंट साइट क्लियर ना हो जाए, परमानेंट साइट अपनी बन ना जाए, ठीक है। तो टेम्परेरी साइट के अपन एग्जांपल की बात करें तो इसमें अपन यूज लेते हैं सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन इसमें आपको याद रखना है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा टेम्परेरी साइट अपन यूज कर रहे हैं, टेम्परेरी साइट में आप सबक्लेवियन वेन यूज कर रहे हैं डायलिसिस के दौरान लिए, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? तो आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी यूज द हिपेरिन।
बात करें हीपेरिन यूज क्यों करेंगे अपन, तो हीपेरिन अपन यूज करेंगे पोटेंशियली मेंटेन करने के लिए, क्लोटिंग ना बने वेन के अंदर, इसलिए अपन यूज करते हैं हीपेरिन। नेक्स्ट अपन साइड के एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना फीमोरल वेन। यहां से आपका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों प्रायरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन से बनते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, फीमोरल वेन से अपन डायलिसिस कर रहे हैं उस दौरान अपना क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगी, ड्यूरिंग प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी नोट एलिवेट द हेड ऑफ बेड मोर देन 20 to 30 degree, 20 से 30 डिग्री एंगल से ज्यादा आपने को हेड ऑफ बेड को एलिवेट नहीं करना है। यदि आपने इससे ज्यादा किया तो आपने जो कैथेटर लगाया वो डिसलोक हो जाएगा, अपनी साइड से हट जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, आफ्टर फीमोरल वेन से अपने डायलिसिस किया उसके बाद अपना प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, तो डायलिसिस करने के दौरान बाद में अपना इंटरवेंशन होता है चेक द डिस्टल पल्स। डिस्टल पल्स को अपन चेक करेंगे आफ्टर, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं टेम्परेरी साइड से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें परमानेंट साइड की, नेक्स्ट अपन बात करें परमानेंट साइट की, तो परमानेंट साइट में अपनी आती हैं तीन साइट। पहला होता है अपना आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर संट, सेकंड है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्राफ्टिंग, थर्ड आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला। ये होता है आपका एक्सटर्नल संटिंग। एक्सटर्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर संटिंग, बात करें एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर संटिंग की, तो इसमें अपन यूज करते हैं एक्सटर्नली बाहर अपन आर्टरी एंड वेन का अनास्थमोसिस करते हैं और अपना संटिंग तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्राफ्ट एंड फिस्टुला की, तो फिस्टुला है मेनली यूज होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को फिस्टुला यूज करते हैं। फिस्टुला बात करें, हम फिस्टुला कैसे तैयार करेंगे, तो अपन लार्ज आर्टरी एंड लार्ज वेन लेके अनास्थमोसिस कर देते हैं, लार्ज आर्टरी एंड लार्ज वेन लेके अनास्थमोसिस कर देते हैं, वो अपना बन जाता है फिस्टुला, ठीक है। ये मेनली यूज होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फिस्टुला के द्वारा ही डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्राफ्टिंग की, यदि तो ये मेनली यूज होता है चाइल्ड एंड ओल्ड एज में, चाइल्ड और ओल्ड एज में अपना मेनली ग्राफ्टिंग यूज होता है। ग्राफ्टिंग की बात करें, ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाता है, तो ग्राफ्टिंग के लिए अपन यदि चाइल्ड और ओल्ड एज में क्या होता है अपना लार्ज आर्टरी और लार्ज वेन की कमी होती है, आर्टरी और वेन होती है उनकी साइज बहुत छोटी होती है, उस कंडीशन में अपन काऊ की कैरोटिड आर्टरी, काऊ की कैरोटिड आर्टरी लेके एक्सटर्नली फिक्स करते हैं और अपना अनास्थमोसिस के द्वारा ग्राफ्टिंग तैयार करते हैं, ठीक है। बात करें इनके बेनिफिट एंड कमी की, ठीक है, क्या इसके हाँ में क्या इनके बेनिफिट हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें संटिंग की,
शंटिंग का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? तो शंटिंग का अपना एडवांटेज होता है, इट इज यूज जस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन, संट को अपन जैसे ही अपन संट बनाते हैं तुरंत बाद अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो संटिंग होता है वो एक्सटर्नल होता है, तो इस दौरान अपने को रिस्क रहती है इन्फेक्शन की, हेमरेज की एंड रिक्वायर रहती है ड्रेसिंग की। ये इसके डिसएडवांटेज कमियां रह गई, इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा रिस्क रहती है क्योंकि बाहर बॉडी से बाहर की साइड में, ठीक है, हेमरेज की रिस्क रहती है और एक्सटर्नली अपने को ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ये उसके हो गए डिसएडवांटेज संट के। नेक्स्ट अपन बात करें फिस्टूला एंड ग्राफ्टिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज की। एडवांटेज इनका क्या होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होती है या होती नहीं है, ठीक है। हेमरेज की रिस्क नहीं होती, एक्सटर्नल ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये अंडर द स्किन होती हैं, ठीक है, तो इस दौरान अपने को इन्फेक्शन की रिस्क बहुत कम रहती है, हेमरेज के चांसेस कम रहते हैं, ड्रेसिंग की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट यूज जस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन, ग्राफ्ट एंड फिस्टुला दोनों को ही अपन इसके तुरंत क्रिएशन के तुरंत बाद यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैच्यूरेशन होने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, मैच्यूरेशन होने के लिए कुछ समय की रिक्वायरमेंट होती है और वो टाइम होता है अपना 21 डेज। 21 डेज तक अपने ग्राफ्ट या फिस्टुला को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके मैच्यूरेशन के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि फिस्टुला एंड ग्राफ्टिंग करने के बाद 21 दिन तक या मैच्यूरेशन ना हो तब तक आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है, क्वेश्चन बनता है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है आपने ग्राफ्टिंग या फिस्टुला किया तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, ठीक है। तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होती है बोल स्क्विंज एक्सरसाइज, बोल स्क्वीज एक्सरसाइज, बोल को स्क्वीज करना है हाथ में लेके ताकि अपनी ग्राफ्टिंग या फिस्टुला मैच्योर हो सके, ठीक है, उसके पास ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो सके। इस दौरान अपने को प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा जाता है, तो अपना प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होता है बोल स्क्वीज एक्सरसाइज करवाना, ठीक है। स्पंज की बोल बनी होती है वो हाथ में देके उसको स्क्वीज किया जाता है, यह अपनी होती है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। साइट के बाद अपन देखते हैं इंटरवेंशन, हीमोडायलिसिस अपन कर रहे हैं उस दौरान आपने क्या क्या इंटरवेंशन रखने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरवेंशन अपना हीमोडायलिसिस से जस्ट बिफोर चेक वाइटल साइन। वाइटल साइन में भी स्पेशली अपने को ध्यान रखना है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेट। हीमोडायलिसिस से जस्ट बिफोर अपने को चेक करना है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेट। बात करें अपन ब्लड प्रेशर की तो ये चेक किया जाता है हाइपोवोलेमिया,
एंड हाइपरवोलेमिया का आइडेंटिफाई करने के लिए। हीमोडायलिसिस जस्ट बिफोर अपन चेक करते हैं बीपी, टेम्परेचर, वेट। टेम्परेचर वगैरह अपन चेक करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह की कंडीशन तो नहीं हो गई है। वेट सेम अपन चेक करते हैं हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया की कंडीशन को कंफर्म करने के लिए। अपना हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के जस्ट आफ्टर फिर से अपने को चेक करना है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेट। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेट, बीपी एंड वेट अपन चेक करते हैं हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और टेम्परेचर अपन चेक करते हैं इन्फेक्शन की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन बनता है आपका यहां से टेम्परेचर से, टेम्परेचर से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, आफ्टर हीमोडायलिसिस विद इन 24 आवर्स टेम्परेचर इज एलिवेटेड वन डिग्री फारेनहाइट। हीमोडायलिसिस के बाद में 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर 1 डिग्री फारेनहाइट इंक्रीज हो रहा है, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा जाता है 24 घंटे के अंदर यदि 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। क्योंकि 1 डिग्री तक यदि बढ़ रहा है तो वो आपकी कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहीं से, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हीमोडायलिसिस टेम्परेचर इज एलिवेटेड व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। 24 घंटे के बाद भी यदि बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड आ रहा है, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। तो इस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी कंसल्ट द फिजिशियन। फिजिशियन से कंसल्ट करना है, या आपकी 24 घंटे के बाद में यदि टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है, तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी। क्योंकि यदि 24 घंटे के बाद में टेम्परेचर में एलिवेशन हो रहा है या अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, तो वो कंडीशन आपकी डिनोट करती है इन्फेक्शन को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, विद इन 24 आवर्स कंटिन्यूअसली टेम्परेचर इंक्रीज। यदि 24 घंटे के दौरान भी कंटिन्यूअसली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, मोर देन 1 डिग्री फारेनहाइट हो गया, तो उस दौरान भी आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी कंसल्ट द फिजिशियन। कंसल्ट द फिजिशियन आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी यदि 24 घंटे के अंदर कंटिन्यूअसली टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है। क्योंकि टेम्परेचर यदि इंक्रीज रेगुलरली बना हुआ है, तो वो भी अपना डिनोट करता है इन्फेक्शन की कंडीशन को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इंटरवेंशन के दौरान लिए ही अपन नेक्स्ट अपन बात करें, तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है जस्ट बिफोर हीमोडायलिसिस आपको स्टॉप कर देनी है विटामिन बी की कोई भी ड्रग यदि चल रही है। स्टॉप द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यदि क्लाइंट को विटामिन बी की कोई भी मेडिसिन वगैरह चल रही है, विटामिन बी चल रहा है, तो हीमोडायलिसिस जस्ट बिफोर आपको स्टॉप कर देनी है। बात करें रेनल की, स्टॉप क्यों करेंगे, क्योंकि विटामिन बी होता है अपना वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल है, तो ये अपने डायलिसिस के दौरान एक्सक्रीट हो जाएगा। एस्क्रीट हो जाएगा तो इसका यूज या इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा नहीं, वो अपने को होगा
फाइनेंशियली लॉस, क्लाइंट को फाइनेंशियली लॉस होगा, इसलिए अपने को पहले ही विटामिन बी को स्टॉप कर देना है, क्योंकि यदि विटामिन बी अपने चालू रखा तो वो तो वाटर सोल्यूबल होता है जो डायलिसिस के दौरान एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट इंटरवेंशन में आपको ध्यान रखना है डिजॉक्सिन को स्टॉप करना है जस्ट बिफोर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से जस्ट बिफोर आपको डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देना है, क्योंकि डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट होता है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज करने का काम करती है, ठीक है, उस दौरान आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट इंटरवेंशन में आपको ध्यान रखना है टू स्टॉप द एंटी हाइपरटेंशन ड्रग बिफोर हीमोडायलिसिस। डायलिसिस के जस्ट बिफोर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को भी स्टॉप कर देना है, क्यों करना है। रेशनल की बात करें अपन, यदि आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टॉप नहीं की तो वो अपनी करेगी हाइपोटेंशन की कंडीशन, ठीक है, उस दौरान अपना वीनस रिटर्न पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, उस दौरान क्लाइंट को हो सकता है हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाएगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को करना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को स्टॉप। यदि हाइपोवोलेमिया कंडीशन हो गई तो क्लाइंट शोक में जा सकता है और शोक से उसकी हो सकती है डेथ। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करती है, हाइपरटेंशन को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। यदि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वीनस रिटर्न नहीं हो पाएगा अपना, ब्लड प्रेशर यदि कम हो गया तो वीनस रिटर्न कम हो पाएगा, और यदि वीनस रिटर्न कम हो गया तो वो अपना कंडीशन हो जाएगी हाइपोवोलेमिया, और ज्यादा यदि हाइपोवोलेमिया हो गया तो उस कंडीशन में क्लाइंट शोक की कंडीशन में चला जाएगा, और शोक से क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है, हाइपोवोलेमिया शोक, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को स्टॉप करना है। ये हो गया आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हीमोडायलिसिस का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। डायलिसिस के टॉपिक में आपको याद रखना है पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, दो इन दोनों के अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके अलावा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको पीडीएफ भी मिलेगी आपको यदि आप हमारे टेस्ट पेपर लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट से आप हमारे टेस्ट पेपर यदि परचेज करते हैं, यदि आप टेस्ट पेपर परचेज करते हैं तो टेस्ट पेपर के साथ में आपको उस टेस्ट पेपर की पीडीएफ भी मिलेगी अब से। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, हमारे टेस्ट पेपर लाइव ने आप लोगों के रिकमेंडेशन के आधार पर तैयार की है पीडीएफ भी, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करूँगा मैं तो कि आप जाके विजिट करो एक बार हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.testpaperlive पर। थैंक यू फ्रेंड्स।